हेलो गाइस, नमस्ते। मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं ये फिलिप्स इंडक्शन का। फिलिप्स निकल गया, बट इस फिलिप्स आई नो फिलिप्स इंडक्शन का। तो आप वीडियो पूरी देख लेना। इसकी प्राइस डिटेल, कौन से बर्तन इस पर यूज़ कर सकते हैं, इसको कैसे प्लग करना है, कैसे यूज़ करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगी। एंड मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ ऑनेस्ट रिव्यू की, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो उस चीज़ के लिए थैंक यू। एंड आप लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसको प्यार देते रहिए। तो चलिए शुरू करते हुए मैं इसके अनबॉक्सिंग, कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, बाकी चीज़ें मैं वीडियो में आगे बताती रहूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना। वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, ये हमारा इंडक्शन जो कि मैंने अमेजोन से मंगवाया है। जैसे नॉर्मल पैकेजिंग आते हैं अमेजोन की, वैसे इसमें नहीं आई। आप देख सकते हैं इसमें छोटी सी स्लिप लगी हुई है, इसमें अमेजोन लिखा हुआ है। एंड मैं थोड़ा सा घुमा के दिखा देती हूँ। लाइक जैसे इसमें ग्रेवी, रोटी, स्टर फ्राई, स्लो कुक, प्रेशर कुकर, ये सब लिखा हुआ है। मीन्स आप सब कुकिंग कर सकते हैं, इंडियन कुकिंग जो भी होती है। एंड इस तरीके से ये इसके पीछे की पैकेजिंग है। मैं आपको पूरा घुमा घुमा के दिखा रही हूँ ताकि आपको सारी पैकेजिंग दिख जाए। एंड मैं इसके प्राइस भी अभी दिखा देती हूँ आपको। इसका प्राइस मैं आपको आगे बताऊंगी कि मुझे कितने का पड़ा है, बट इस पे जो प्राइस लिखा हुआ है वो 5995 है। मीन्स ये लगभग 6000 रुपये इसका प्राइस लिखा हुआ है, यूनिट प्राइस भी, रिटेल प्राइस भी, जो भी है आप देख लेना। एंड अब इसको हम डब्बे से बाहर निकाल लेते हैं। तो डब्बा यहाँ से फट चुका है, तो मैं यहीं से इसको बाहर निकाल लेती हूँ। एंड ये उल्टा निकल गया है, कोई नहीं, हम इसको फटाफट से सीधा कर लेंगे। एंड जो पीछे आप ये देख रहे हैं इसमें फ़ैन है, मैं अभी आपको अच्छे से निकाल के दिखाऊंगी पूरा अच्छे तरीके से। सबसे पहले दिखाया हमें ये यूज़र मैनुअल, आप देख सकते हैं इस पर फ्लिप्स लिखा है। इसके अंदर जो भी कॉशंस वगैरह होते हैं वो सब कुछ है। एंड अगेन हम यहाँ पे आ गए अपने इंडक्शन के पास। एंड आप देख सकते हैं दिखने में कितना सुंदर है यार, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। एकदम ब्लैक कलर का है एंड देखने में काफ़ी मस्त है। क्वालिटी भी इसकी A1 है। एंड जो इसका वायर है और उसको प्लग है यार, क्वालिटी सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड फिलिप्स के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी रियलिटी में काफ़ी अच्छी होती है, तो इसकी क्वालिटी भी बहुत। इसके साथ मिला है हमें एक और यूज़र मैनुअल, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। मीन्स इसमें कैसे कुकिंग करनी, क्या करना है, कितना टेम्परेचर, बर्तन कौन से यूज़ कर सकते हैं, फ्लैट है कि नहीं है, जो भी है इसमें सब कुछ पूरे अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो हम चलते हैं अपने इंडक्शन की तरफ, इसको यूज़ करके देखते हैं। इसमें सारे बटन्स दे रखे हैं, इसमें ऑन ऑफ का जो रेड वाला ही वाला बटन दे रखा है, एंड पॉज का भी दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे प्रेशर कुकर, स्लो कुक, स्टर फ्राई यहाँ पे, एंड ग्रेवी वाला कुछ करना है तो आपको वो, रोटी, मैनुअल, सारे यहाँ पे बटन्स दे रखे हैं। बहुत ईजी है यूज़ करना। एंड मैं सजेशन आपको एक दूंगी कि जैसे अगर आपको दूध बॉईल करना है तो दूध डाल के ही आप पतीला इसके ऊपर रखना। मैंने ऐसे ही रख दिया था और टेम्परेचर उसका ज़्यादा था तो वो जल गया है। मीन्स आपका बर्तन जल भी सकता है। तो हमेशा क्या करना है, आपको टेम्परेचर कम रखना है। अगर आप जैसे अपने कढ़ाई रखी है तो टेम्परेचर कम कर देना है, सबसे कम कर देना है, उसके बाद ऑयल डालना है, उसके बाद जो भी आप कर सकते हैं। ये मैंने पीछे से आपको घुमा के दिखाया है। ये यहाँ पे फैन है, ये फैन जब तक खुद से बंद नहीं होता आपको प्लग से बंद नहीं करना है। अब मैं जल्दी से बता देती हूँ कि आप किस तरीके के बर्तन इस पे यूज कर सकते हैं। आपको जो भी बर्तन लेने हैं उनका जो तला होता है, सरफेस होता है, वो फ्लैट होना चाहिए, बिल्कुल समतल होना चाहिए, जैसे कि लोहे की कढ़ाई है। हाँ, आप इसमें लोहे के, स्टील के, सभी तरीके के बर्तन यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट एल्युमिनियम के। एल्युमिनियम पे जो बर्तन होते हैं वो यूज नहीं कर सकते, मैं आपको आगे डेमो देके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये लोहे की कढ़ाई है, आराम से यूज कर सकते हैं, बट जो तला है वो समतल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्म हो चुकी है, टेम्परेचर आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं ये गर्म होना शुरू हो चुका है, एंड देखते हैं कितनी देर में गर्म होता है। यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है, ऑन के बाद इसमें मैनुअल दबा दिया है एंड कढ़ाई गर्म हो चुकी है। एक बात और, जब भी हम इंडक्शन ऑन करते हैं तो पूरा ये जो ब्लैक वाला सरफेस है ये गर्म नहीं होता है, जो बीच में इसमें गोल गोल दिया है जो गोल्डन कलर से है, बस यही गर्म होगा। तो आपको जो भी बर्तन रखना है वो सिर्फ उसके ऊपर रखना है। मीन्स ऐसे नहीं कि आपने आगे रख दिया, पीछे रख दिया, नहीं, आपको सेंटर में ही रखना है, क्योंकि उसकी जो हीट है वो वहीं पर ही लगती है, वहीं से होना शुरू होती है। आप देख सकते हैं गर्म हो चुका है, इसमें धुआं निकल रहा है। एंड आप टेम्परेचर अगेन कम ज़्यादा कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, अगर चाहते हैं 2 मिनट के लिए पॉज हो जाए तो ये पॉज भी हो जाएगा। तो ये एल्युमिनियम का है, तो ये मैंने रख के देखा था तो नहीं हुआ था, तो मैं आपको रख के दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया, इसको रख दिया है, एंड ये बीप बीप हो रहा है। आप देख सकते हैं ये मैनुअल है जो सिर्फ इसकी बत्ती जले जा रही है, तो ये बीप बीप हो रहा है, तो नहीं चल रहा था। तो इस तरीके के बर्तन नहीं चलेंगे। एंड मेरा एक और फ्राई पैन है, वो नीचे से थोड़ा उसका तला निकल गया है, तो वो मैंने रखा था, वो भी नहीं चला था।
ये स्टील का है, ये इसमें डेफिनेटली चलेगा। तो मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ, ये मुझे पड़ा है 3000 रुपये का, एंड ये 1600 वॉट एंड 2100 वॉट ऐसे कुछ होते हैं। तो मेरे 2100 वॉट का है, मैं इसमें इजीली बहुत देर तक कुकिंग कर सकती हूँ, प्रेशर कुकर से कुक कर सकती हूँ, हर एक चीज़ अच्छे से बना सकती हूँ मैं इसमें। एंड इसके साथ 1 ईयर की वारंटी है। जो भी बर्तन आप दिखा रही हूँ मैं आपको, उनका जो तला है, जो सरफेस है, वो समतल है। तो मैं भी आपको एक रोटी बना के दिखा देती हूँ, इसमें मैंने पानी बॉइल करके दिखाई दिया है आपको, तो आप देख सकते हैं मैंने ऑन करके रोटी का जो है मैंने दबा दिया है बटन रोटी का मैंने यहाँ पे दबा दिया है, एंड रोटी मैंने डाल दी है। यार इसको ये माइंड मत करना, मुझे इतने अच्छे से बनाने नहीं आती है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी बनती है रोटी। तो आप देख सकते हैं पकना शुरू भी हो चुकी है। अगेन आप इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। जैसे हम गैस पे रोटी सेकते हैं, वैसे तो इस पे नहीं सेक सकते हैं, जैसे कि तवा हटा के उसमें सेकते हैं, तो उसको पलट के मैं एक कपड़े के हेल्प से इसको आपको सेक के दिखाऊंगी। एंड यार फिलिप्स के जो प्रोडक्ट है, मैं बता रही हूँ आपको, बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, बहुत अच्छे होते हैं, रियलिटी में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आप ये चिमटा ले सकते हैं, मेरे पास था नहीं अभी, तो मैं हाथ से ही कर रही हूँ, वैसे इतना ज़्यादा गर्म लग नहीं रहा था। तो कपड़े की हेल्प से मैं फटाफट से रोटी आपको बना के दिखा देती हूँ यहाँ पे सेक के। एंड ऐसा नहीं कि इस पर कच्ची पक्की, जैसा जैसा सेम टू सेम गैस पे काम होता है, वैसा सेम टू सेम इसी पर होता है, जैसा खाना उस पर पकता है वैसा इस पर पकता है। जैसे कि हम गैस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं करते हैं, तो वैसे ही इंडक्शन में कम या ज़्यादा टेम्परेचर करने के लिए बटन दे रखा होता है। आप देख सकते हैं रोटी में थोड़ा थोड़ा धुआं भी निकल रहा है, अगर आपको, हाँ आप देख सकते हैं नीचे से निकल रहा दिखाई दे रहा हो। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से इसका रिप्लाई दे दूंगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो यूज़फुल लगी हो, थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड यहाँ पे हमारी रोटी बनके तैयार हो चुकी है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप गाइज मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मेरी आईडी है शेयर्स लाइफस्टाइल, एंड यूट्यूब पर भी मेरी सेम है, सब्सक्राइब करना एंड मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।